नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे सीतापुर जंक्शन से बालामऊ जंक्शन के बीच चल रहे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर, जिसका वीडियो हमको भेजा है अभिषेक जी ने। मिश्रिक तीर्थ स्टेशन का ये वीडियो है और सीतापुर से बालामऊ जंक्शन तक लगभग 60 किलोमीटर का जो ये रेलखंड है, इसका रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है। अब ये सिंगल डीजल लाइन थी, अब सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन ये बन जाएगी आने वाले समय में, और पोल्स लगाने का जो काम है वो मिश्रिक तीर्थ तक पहुंच गया है, जो स्टेशन है बालामऊ जंक्शन की दिशा से, और धीरे धीरे सीतापुर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस रूट पर लोड ज़्यादा नहीं है, 4 ट्रेनों का कुल ठहराव है मिश्रिक तीर्थ स्टेशन पर, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य है स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ है। और यहाँ पर मिश्रिक में एक कुंड है जिसको देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ददीची कुंड के नाम से फेमस है। यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर सीतापुर रह जाता है, तो ये जो 60 किलोमीटर का सीतापुर सिटी तक और 64 किलोमीटर के लगभग 65 किलोमीटर सीतापुर जंक्शन तक ये पूरा जो रेल रूट है ये अब इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में जो सीतापुर से कानपुर की तरफ रेलगाड़ियां जाएंगी, बरस्ता बालामऊ जंक्शन, आगे उन्नाव होते हुए उन्नाव जंक्शन से बालामऊ तक, वो भी रूट जो है सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन बन रही है, तैयार हो रही है, तो वो भी शुरू हो जाएगा अगले साल तक, उम्मीद है 2021 में। और साथ ही साथ 2021 में ये जो हमारा बालामऊ से सीतापुर का कनेक्शन है, सिंगल लाइन जो अभी है इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, जिससे फिर इस पर रेलगाड़ियां, हो सकता है मेमू ट्रेन्स चलने लगे और कुछ ट्रेन्स और बढ़ जाएं कानपुर के लिए, क्योंकि अभी एक कानपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन है सीतापुर से, और बालामऊ तक एक यात्री गाड़ी है। तो मिश्रिक तीर्थ स्टेशन पर क्या प्रोग्रेस हुई रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की, उसको हम देखेंगे आज के वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन्स एंड ट्रेवल। तो चलिए, पहली बार हमारी चैनल पर बालामऊ सेक्शन जो है, बालामऊ सीतापुर रेलखंड, इसको हम कवर कर पा रहे हैं अभिषेक जी की बदौलत। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं मिश्रिक तीर्थ स्टेशन पर। सीतापुर से 24 किलोमीटर दूर ये है मिश्रिक तीर्थ स्टेशन, इसके सामने की बिल्डिंग और बाहर का ये व्यू। यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बालामऊ जंक्शन की दिशा से, जो कि बालामऊ लखनऊ हरदोई जो रूट है उस पर पड़ता है, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल में आता है। ये भी जो स्टेशन है मिश्रिक तीर्थ, ये भी उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है सीतापुर जिले में। यहाँ पर पासी में ददीची कुंड है फेमस, और 10 किलोमीटर आगे नैमिषारण्य तीर्थ पड़ता है, तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हालांकि रेलगाड़ियाँ जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है, यहाँ पर टोटल 4 ट्रेन्स का ठहराव है यहाँ पर, अगर आप टाइम टेबल में यहाँ के देखेंगे, जो कि पैसेंजर ट्रेन्स हैं खाली। और आजकल सन्नाटा पसरा हुआ, जैसा आपको पता है कि रेलगाड़ियों का संचालन जो है वो बंद है। छोटी सी बिल्डिंग है स्टेशन की, कोई खास सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। ये अब हम अंदर आ गए, एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, एक मेन लाइन और एक लूप लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मास्ट हैं उनको डाल दिया गया है दोनों ही ट्रैक्स की तरफ, इरेक्शन उनका होना बाकी है, अभी कॉन्क्रीट भरा जाएगा। कुछ में इरेक्शन हो चुका है कुछ पोल्स में, लेकिन कुछ का अभी बाकी है। और पहले हम जो सीतापुर जंक्शन की दिशा है उधर चल रहे हैं। जब आप इस स्टेशन में एंटर करते हैं, क्योंकि हरदोई रोड की दिशा से इसका स्टेशन है, तो बाएं हाथ पर जो ट्रैक है, लेफ्ट हैंड पे जो जा रहा है, जिधर ये दिशा अभी हम चल रहे हैं, ये दिशा जाती है सीतापुर जंक्शन की तरफ, सीतापुर सिटी होते हुए। और दाहिने हाथ पे इसके ठीक पीछे की जो दिशा है वो फिर बालामऊ की हो जाएगी, बालामऊ जंक्शन की। तो इस रूट का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है वो अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, और बालामऊ से उन्नाव का जो रेल रूट है उन्नाव जंक्शन तक, वो भी इलेक्ट्रिफाइड, सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पोल्स को डाल लिया गया है, और एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, छोटा सा शेल्टर है, और जो यात्री सुविधाएं हैं, एक हैंडपंप लगा है यहाँ पर, सामने आपको दिख रहा है, हरियाली बहुत है। और ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन में
मास्ट को डाल दिया गया है। मिश्रिक तीर्थ स्टेशन का साइन बोर्ड, सामने कपड़े कुछ फैले हुए हैं, जो बाउंड्री वॉल है इसकी वो रेलिंग से बनाई गई है लोहे की, और सन्नाटा पसरा है पूरी तरह, जैसा आजकल सभी स्टेशंस का हाल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी इन पर ब्रैकेट असेंबली फिटिंग्स वगैरह सब होनी बाकी है, और उसके बाद जो वायरिंग का काम है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ा अभी समय है, प्रतीक्षा कीजिए, उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि पहली बार हम अपडेट इस सेक्शन की अपने चैनल पर दे रहे हैं, सीतापुर बालामऊ रेल रूट की। सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन अब होने जा रही है ये इधर का देखिए साइन बोर्ड, और इधर फिर ये बालामऊ जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो पोल्स का जो काम है वो बालामऊ जंक्शन से आगे की तरफ तेजी से हो रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, और बहुत जल्द इस पर फिर वायरिंग होगी, फिर लोको ट्रायल होगा, उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद अगले साल आप मान के चलिए कि ये रेलखंड भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं, मेमू ट्रेन्स आ जाएंगी, पैसेंजर जो यात्री गाड़ी हैं उनकी जगह, और इस पर भी यातायात फिर शुरू हो जाएगा वैप और वैक इंजिन के साथ। अभी इस रूट के और भी स्टेशन के जो वीडियोज हैं हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। तो ये आप देख सकते हैं एक झलक मिश्रिक तीर्थ स्टेशन की, कोई खास सुविधाएं यहां पर नहीं है, और पोल सभी देखिए इरेक्शन नहीं हुआ है, तिरछे आपको नजर आ रहे होंगे। तो अभी फाउंडेशन में कंक्रीट भरा जाना बाकी है, और प्लेटफॉर्म भी बहुत ही सिंपल सा है। तो ये छोटा सा अपडेट था मिश्रिक तीर्थ स्टेशन से, उम्मीद है पसंद आया होगा।